शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से जब सिया जिद करती थी ना, तो तुम यहाँ उसे अनुशासन सिखाने आ गई, पर जब बात सानवी की आती है ना, तो तुम एकदम चुप हो, पूरे परिवार को, यहाँ तक कि सिया को भी मजबूर कर रही हो सहने के लिए। अरे खैर छोड़ो यार, तुम्हें कौन सा मेरी भाषा समझ में आती है। माता रानी, सानवी आज अपने स्कूल में अच्छे से रहे, प्लीज माता रानी। हे भगवान, स्कूल से फोन क्या? आई थी आप सानवी को लेके इस स्कूल में, बड़े वादे के साथ कि बहुत ही समझदार लड़की है, पर आजकल इसकी हरकतें ठीक नहीं है मिसेस त्रिपाठी। ना क्लास में इसका ध्यान है, ना अच्छा बर्ताव बच्चों के साथ। मैम, सानवी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ये दोबारा नहीं होगा, मैं खुद समझाऊंगी इसे। उससे पहले आप ये पढ़िए, सानवी की हिंदी टीचर ने ये दिखाया मुझे, क्लास में माँ के ऊपर निबंध लिखना था और इसने ये लिखा है, पढ़िए आप। मुझे लगता था कि माँ सबसे अच्छी होती है, माँ हमेशा सच बोलती है, माँ कभी किसी को दुखी नहीं करती, पर कुछ माँ ऐसी भी होती है जो किसी और की माँ का बच्चा चुरा लेती है। कुछ माँ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ झूठ बोलती हैं। कुछ माँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा रो रहा है। कुछ माँ ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चों की असली माँ से उन्हें मिलने नहीं देती, और जब वो मिलने आती हैं तो उन्हें धक्के मार कर बाहर निकाल देती हैं। काश ऐसी माँ नहीं होती तो बच्चे खुश होते। सानवी, ये सब क्या है बेटा, ये सब क्यों कर रहे हो आप? बेटा मैं आपसे कुछ सानवी, सानवी देखिए मिसेस त्रिपाठी, आपके घर में क्या चल रहा है उसमें मुझे नहीं पड़ना है। अगर आपने जल्दी इसको ठीक नहीं किया, इसके भविष्य पर असर पड़ेगा। जी सानवी। बेटा छोड़ो मुझे। सानवी, बेटा मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, और इस परेशानी के वक्त में मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे एक मौका तो देकर देखो बेटा। क्यों दूं मैं आपको मौका? आप सिर्फ मुझसे झूठ बोलते हो, कुछ नहीं सुनना मुझे आपसे। बेटा मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा है। हाँ मैंने आपसे वो पायल वाली बात छुपाई जरूर, लेकिन मैं आपको वो भी बता देती जब आप थोड़ी बड़ी हो जाती तब। बेटा सच यही है कि मैं ही आपकी मम्मा हूँ, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे सिर्फ पायल मम्मा से प्यार है। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज मेरी असली मम्मा के पास जाने दो। ऑटो वाले भैया, प्लीज ऑटो रोकिए ना। अरे सानवी बेटा क्या कर रहे हो, हम ऐसे नहीं उतर सकते, हमें घर जाना है। मुझे यही उतरना है। नहीं भैया आप चलिए। प्लीज ऑटो रोकिए ना अंकल। सानवी, सानवी हमें घर जाना है, हम ऐसे नहीं रोक सकते। अरे मैडम रुको, पैसे दो। सानवी, सानवी रुको बेटा, सानवी। बेटा कहाँ भागे जा रहे थे आप? हाँ भगवान, आपको तो बहुत चोट आई है। बेटा आप ही बताओ, ऐसे सड़क के बीचों बीच में कोई भागता है क्या? आप तो मेरे इतने स्मार्ट बच्चे हो, ऐसा करना अच्छा होता है क्या? नहीं ना, चोट लग गई ना आपको। नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई हेल्प, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। जाओ यहाँ से। सानवी बेटा, आपके इस चोट को ना अभी के अभी ठीक करवाना बहुत जरूरी है, वरना आपको ये चोट बढ़ जाएगा। नहीं चाहिए मुझे कोई बड़ी बड़ी। सानवी आराम से। मम्मा, मम्मा, मम्मा। हाँ भाई बोलिए। प्रिंसिपल मैम से मिल लिए तुमने? सानवी ऐसे जिद नहीं करते हैं, प्लीज सानवी। श्रद्धा अब क्या चाहती है सानवी? नहीं अभय, वो सड़क पे भाग रही थी और उसे चोट आ गई है पैर में। क्या
सानवी ने स्कूल से भागने की कोशिश की? नहीं नहीं अभय, स्कूल से तो मैं ही इसे आधे दिन की छुट्टी करवा के घर लेके आ रही थी। सोचा इसे घर पर लेके जाऊंगी और इसे शांति से बात करूंगी, पर ये सड़क के बीचों बीच भागने लग गई और इसे चोट आ गई। श्रद्धा तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? अभय शांति से बात करो। अच्छा अभी कहाँ हो तुम? अभय वो स्कूल से थोड़ा आगे गली में एक क्लिनिक है, मैं सानवी को लेकर वहीं जा रही हूँ इसकी पट्टी करवाने के लिए। ठीक है मैं जल्दी से सिया को पिक कर लेता हूँ, फिर वहीं मिलता हूँ तुम्हें। नहीं जाने मुझे कोई पट्टी वट्टी। सानवी जिद नहीं करते, चलो रिक्शा रिक्शा चलो। सानवी चलो भैया, आगे दाएं गली में क्लिनिक पड़ता है, वहीं जाना है। जल्दी चलिए प्लीज, बच्चे को चोट आई है। अरे मेरी मम्मा के पास जाना है। अरे तुम नाश्ता किए बिना कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। मम्मी श्रद्धा सानवी को संभाल नहीं पाएगी, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ बेटा जल्दी से जा और दोनों का ध्यान रखना। अरे मुझे नहीं रहना यहाँ पर, ठीक हूँ मैं, जाने दो मुझे, छोड़ो। सिस्टर दो और अटेंडेंट बुला के ले आइए। छोड़ो ना। कुछ नहीं हुआ है मुझे। सिस्टर पकड़िए। मुझे पता है आप मुझे इंजेक्शन लगाओगे, मैं ठीक हूँ, बस मुझे मेरी मम्मा चाहिए। सांधी बेटा ऐसे जिद मत करो, देखो अगर आपकी चोट और ज्यादा गहरी हो गई ना तो आपको और तकलीफ होगी, आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं ना, उन्हें अपना काम करने दो बेटा प्लीज। मुझे नहीं रहना आपके साथ, छोड़ो मुझे। आप सब जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना, जैसा आपने मेरी मम्मा के साथ किया था। उन्हें भी दर्द दिया, अब मुझे भी आप दर्द दोगे इंजेक्शन लगाकर। बेटा अगर डॉक्टर आपकी पट्टी नहीं करेंगे ना तो आपको और ज्यादा दर्द होगी, ये सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं। चलिए क्यारा बेटा जाओ, आप कपड़े चेंज कर लो और मुंह हाथ धो लो। अच्छा हाँ, और आप भी फ्रेश हो जाइए। और क्यारा पता है आपको, नानी ने ना आपका फेवरेट खाना बनाया है। वाओ हम जल्दी से कपड़े पहन कर आते हैं। कीर्ति तुमने क्यारा पे ध्यान देना फिर से बंद कर दिया ना, उसकी क्लास टीचर ने कंप्लेंट किया कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रही। अरुण जी आपने घर का माहौल देखा है, इसीलिए बहुत परेशान हो गई है क्यारा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा उसका। घर का माहौल खराब है तो क्या वो पढ़ाई नहीं करेगी? इसी तुम्हें तो उस पे ध्यान देना होगा ना। हाँ ठीक है हम देख लेंगे, आप परेशान मत होइए। अब वरुण जी वो पैसे कहाँ रखे हैं आपने? देखिए ना ये देखिए, हमने ना नए हीरो का हार देखा है अपने लिए, वो पुराने वाले से भी अच्छा है, कितना सुंदर है ना ये साड़ी। इस साड़ी पे अगर वो हार पहनेंगे ना हम बता रहे बिल्कुल फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगेंगे। और हम सोच रहे हैं ना कि सारे पैसे एक साथ खर्च ना करें, कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ जाएं? मॉल्डीव्स। वरुण जी सारे अमीर लोग ना वहीं जाते हैं। हाँ वहीं चलेंगे। वो पैसे तो मैंने वापस लौटा दिए। क्या हो गया इन्हें? आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, ये हॉस्पिटल है, थोड़ा तमीज से रहिए। आप इन्हें ये दवाइयाँ दीजिए, मैं अभी आती हूँ। दवाई ले लो बेटा। सानवी बेटा देखो आप मुझसे इस तरह से जबरदस्ती मत करवाओ, प्लीज दवाई खा लो बेटा, आपके लिए जरूरी है ये। नहीं चाहिए मुझे दवाई। सानवी बेटा आपको पता है मैं सिर्फ आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ गई थी, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे लड़ूं। देखो बेटा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
प्लीज दवाई खा लो। इस तरह से खुद को तकलीफ देने की गलती दोबारा मत करो बेटा। आपने वो पैसे वापस कर दिए, क्यों? क्योंकि मुझसे रिश्वत नहीं लेंगे कीर्ति। ऐसा करने का सोचते ही मुझे खुद से ही घिन आ रही थी। देखो, मैं तुम्हारे सारे सपनों को सच करूंगा, लेकिन खुद मेहनत करके, सर झुका के नहीं, सर उठा के। आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, पर हमारा क्या? हमने अपनी सारी सहेलियों को कह दिया, अरे किटी में बोल दिया है कि हमारे पति ना हमारे लिए हीरो का सेट ला रहे, कियारा के लिए नई साइकिल ला रहे, अब क्या मुंह दिखाएंगे हम उनको? कीर्ति, ऐसे गलत काम नहीं होते मुझसे, तुम समझने की कोशिश करो। अच्छा, दीदू को शादी के मंडप तक नहीं पहुंचने दिया आपने, वो सही था। किसी गैर औरत के साथ रिश्ता बनाया आपने, वो सही था। तब शर्म नहीं आई आपको, आज हमें गलत सही समझा रहे हैं आप। बस करो कीर्ति। हाँ, गलतियां हुई हैं मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार तुम मेरी वही गलतियां गिनवाती रहो। बदल रहा हूं मैं, तुम्हें दिख नहीं रहा। आप मत बदलिए वरुण जी, हम बदल जाते। आज से हम अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी करेंगे, नौकरी करेंगे हम। तुम नौकरी करोगे? क्यों, हम नौकरी नहीं कर सकते? मेरा मतलब यह है कि कीर्ति, तुमने कभी किसी के लिए काम नहीं किया है, ऐसे में कोई तुम्हें तुम्हारे हिसाब के पैसे देके नौकरी दे, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ कंपनियां ना वरुण जी, अनुभव से ज्यादा हुनर को देखती। हमें काम हमारे हुनर पे मिलेगा, और फिर देखिएगा, हम अपने जन्मदिन पे अपने लिए खुद हीरो का सेट खरीदेंगे। ठीक है कीर्ति, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन घर चल के करो। सामान बांधो और चलो मेरे साथ। क्यों, क्यों सामान बांधे, क्यों जाए आपके साथ? क्योंकि कुछ दिनों से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, अकेली पड़ जाती है दिन भर। तो आपको बीवी नहीं, बीवी कम नर्स चाहिए अपने माँ के लिए। कीर्ति, चिल्लाइए मत। हम अब कैद होके ससुराल में रहने वाले नहीं, हम सभी घर आएंगे जब हमारा मन करेगा। सिर्फ इससे क्या होगा, इसमें थोड़े बादाम अखरोट भी डाल दो, सानवी को लड़ने के लिए ताकत चाहिए होगी ना। अभी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, सानवी इस वक्त सचमुच बहुत तकलीफ में, उसे चोट सिर्फ शरीर पे नहीं उसके मन पे भी लगी है। और तुम, तुम्हें चोट नहीं लगी जब सानवी ने दवाई फेंकी? और तुम्हें लगता है कि अब तुम ये दूध लेकर जाओगी सानवी पिएगी? रहने दो, मैं कर लूंगा खुद। वैसे भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है मेरे और सिया के लिए। अब क्या हुआ? शायद वो मसाला आँख में चला गया। दिखाओ, मैं देखती हूँ। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। सिया बेटा, अरे सानवी, ये क्या किया आपने सिया दी के साथ? सिया, ये चोट कैसे लग गई आपको? अरे सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं किया मैंने। चुप। एक तो हमारी सिया को तुम्हारी वजह से चोट लगी है, और तुम उसके ऊपर से चिल्ला चिल्ला के झूठ बोल रही हो। अरे देख लीजिए आप सब इसकी हरकतें। सॉरी तनुजा जी, बच्ची है वो।
भैया मैंने तुमसे कहा था सानवी सिया के साथ मारपीट कर सकती है और उसने आज करी दी। हर रोज नया तमाशा करती हो और तुम कुछ नहीं करती हो। अब मैं उसकी मनमानी और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिया बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। I'm sorry बेटा। नहीं मम्मा, आप सॉरी मत बोलो, मैं ठीक हूँ। पापा मम्मा की गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मैंने ही सानवी को फोर्स किया था गेम खेलने के लिए, पर उसका मन भी नहीं था और उसका गलती से मुझे धक्का लग गया था तो मैं गिर गई। देखा मम्मी आपने, बिना पूरी बात जाने आपने उस छोटी सी बच्चे पे हाथ उठा दिया। अरे आज इसे गलती से धक्का लग गया लेकिन कल शायद जानबूझ के मारते। अरे जितना छूट उस लड़की को देंगे ना वो यही सब करेगी। अरे हमें उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभय तुम जल्द से जल्द उस लड़की का कुछ फैसला करो वरना हमें पूरे दिन सिया की चिंता ही लगी रहेगी। करूं मैं सानवी की तकलीफ कैसे कम करूं? सानवी बेटा अब आप भी मुझे मारने आए हो ना? लो मारो 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 ना मारो। ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? आप मेरी बेटी हो सानवी और मैं आपको अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। मैं सिर्फ पायल मम्मा की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे अपने टबी में रखा, उन्होंने मुझे जन्म दिया, आपने नहीं। वो सरोगेसी से बेटा, अब सरोगेसी क्या होती है ये मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे खोलो। आपको सुनना पड़ेगा बेटा और समझना भी होगा। बेटा जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा वो माँ प्यार करती है जो अपने बच्चे को बड़ा करती है, उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, उसे सही और गलत के बीच का फर्क बताती है, जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरी बेटी हो सानवी। तो जाने दो ना मुझे भी उनके पास। वो मेरा वेट कर रही है। उन्होंने मुझे बोला था वो बहुत साल में मुझसे दूर रह चुकी है, मुझे उनके पास ही रहना है। नहीं बेटा प्लीज मुझे जाने दो वरना मैं फंस जाऊंगी। फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे तुम फोन कहाँ है नहीं उठा रहे हो? हम कब से तुमको फोन लगा रहे थे। वो मम्मी कुछ जरूरी काम था मुझे। क्या हो बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो? नहीं पापा वो सब ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा 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 कहाँ है? अरे हमको क्या पता, वो सानवी को लेकर के कहीं चली गई है। कहाँ? शायद डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई होगी। सानवी के कपड़े बांध लो। अरे काहे भाई उसके कपड़े काहे बांधने हैं? बताता हूँ, मैं एक बार सानवी के कपड़े चेक कर लेता हूँ।
सानवी के कपड़े नहीं है अंदर। कहाँ थी तुम? और सानवी कहाँ है? बोलो श्रद्धा, कहाँ छोड़ा है तुम सानवी को? अरे तुम भूत बन के क्या खड़ी हो? हमारा बेटा तुमसे कुछ पूछ रहा है तो जवाब दो। मैंने सानवी की ख्वाहिश पूरी कर दी, मैं उसे पायल के पास छोड़कर आई हूँ। बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए तुम सानवी को छोड़ आई, इसलिए अब तुम भी इस घर में नहीं रह सकती। श्रद्धा, निकल जाओ यहां से। अबे मेरी बात सुनी, अबे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।